सरकार आज गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करेगी। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सीबीआई को असंवैधानिक करार दिया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जिसके जरिए केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किया गया था। कहा सीबीआई की सारी कार्रवाइयां असंवैधानिक है। सीबीआई के गठन को असंवैधानिक करार देने वाले गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले से सख्ते में आई केंद्र सरकार। सरकार के दिग्गज मंत्री सलाह मशवरे में जुट गए हैं। सीबीआई पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री नारायण साभी ने कहा प्रधानमंत्री और कानून मंत्री से लेंगे सलाह। टूजी घोटाला सहित कई अन्य मामलों के आरोपियों ने अदालत का रुख कर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की। बहराइच में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की आवाज को उछलने का आरोप लगाया। इसके जवाब में सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि शैतान आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। मीडिया में चुनावी भाषणों के प्रसारण को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी में ठन गई है। मोदी ने बहराइच रैली सरकार की मीडिया एडवाइजरी पर सवाल उठाए हैं। बहराइच में पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने कहा कि 27 दिसंबर को पटना में मेरी और दिल्ली में राहुल की एक साथ रैली थी जिसमें मेरे भाषण को दिखाए जाने से सरकार चिंतित हो गई। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के पास एडवाइजरी के बारे में गलत जानकारी है और वो प्रेस की आजादी के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जिसे उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चुनावी रैली है। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए सूबे की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है। चुनावी मौके पर राजस्थान का भव्य देवी सेक्स स्कैंडल फिर एक बार राजनीतिक हलके में सरगर्मियां बढ़ा सकता है। दरअसल कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री के कारनामों पर बनी इस फिल्म को बीजेपी सहित कांग्रेस विरोधी इसे जमकर भुना सकते हैं। भव्य पर बनी फिल्म का नाम है कहानी एक देवी की। ये वही भवरी है जिसके साथ सामने आए सेक्स स्कैंडल ने कांग्रेस के कद्दावर जाट नेता रहे महिपाल मदेरणा की पूरी सियासत मिट्टी में मिला दी। भव्य मदर केस में सीबीआई ने पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और कांग्रेस विधायक मलखान सिंह समेत कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में बगावत सिर उठाने लगी है। भोपाल में कांग्रेस और बीजेपी दफ्तर में वर्कर्स ने जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में हंगामा इतना बड़ा कि पुलिस बुलानी पड़ गई। पुलिस टीम ने आकर हालात को काबू में किया। कांग्रेस बीजेपी में उठे बगावत के सुर। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के झंडे बैनर या ममता बनर्जी के पोस्टर फाड़े तो उनकी कलाइयां काट दूंगा। इससे पहले पंचायत चुनाव में 17 जुलाई को अनुब्रत मंडल ने वीरभूम में विवादित बयान देते हुए कहा था कि निर्दलीय प्रत्याशियों के घर जलाने जैसे आपत्तिजनक बयान दिए थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तमिलनाडु में सशक्त जन भावना के मद्देनजर अपने प्रस्तावित श्रीलंका यात्रा को रद्द कर सकते हैं। श्रीलंका में राष्ट्रमंडल देशों की बैठक होने जा रही है। तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दल प्रधानमंत्री की प्रस्तावित श्रीलंका यात्रा के खिलाफ हैं और वहां की विधानसभा में राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भारत के हिस्सा लेने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। पेड न्यूज पर अब सूचना प्रसारण मंत्रालय सख्ती करने जा रहा है। सरकार एक ऐसा बिल ड्राफ्ट करने की तैयारी पर है जिसमें पेड न्यूज को परिभाषित किया जाएगा। दो ब्रिटिश पत्रकारों ने मुंबई के 26/11 हमले पर लिखे अपनी किताब में खुलासा किया है कि हनीबी नाम से एक आईएसआई एजेंट भारतीय सुरक्षा एजेंसी में मौजूद था जिसने हैंडलर्स को मुंबई में लैंडिंग साइट के बारे में जानकारी दी। कई सालों से 26/11 हमले की तैयारी चल रही थी और आईएसआई ऑपरेटिव्स को हनीबी ने बदहावर पाक को लैंडिंग साइट बताया था। तब लश्कर के ऑपरेटिव डेविड हेडली ने इस इलाके की रेकी भी की थी। एडविन लेवी और कैथी स्कॉट ने दावा किया है कि डेविड हेडली ने भी बदहावर पाक को आतंकियों की लैंडिंग के लिए मुफीद पाया था जिसके बाद 10 पाकिस्तानी आतंकी कराची से सीधे बदहावर पाक उतरे थे। घाटी में पुलिस की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के बडगांव में दो पुलिस अफसरों के साथ कुछ पुलिस जवान ड्यूटी पर होने के बावजूद गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। कश्मीर जैसी अति संवेदनशील जगह पर ये पुलिसकर्मी ड्यूटी आवर्स में AK-47 के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद इन पर लापरवाही का आरोप लगाया और लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। पूजा का महा
पर्व छठ मैया का चौथा और आखिरी दिन आज मुंबई से पटना तक आज उगते सूरज को दिया गया अर्घ। राबड़ी देवी ने भी पटना में छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूरज को अर्घ दिया। राबड़ी ने इस बार बिना लालू छठ मनाया। चारा घोटाले के एक मामले में जेल काट रहे हैं लालू। दिल्ली से लेकर पटना तक लोक आस्था के पर्व छठ की धूम शुरू। सूर्य उपासना के महापर्व पर लाखों छठ व्रती पूरी तैयारियों के साथ घाटों का रुख उन्होंने किया। बिहार के अलावा झारखंड, पूर्वांचल, दिल्ली और मुंबई में छठ पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा गया। पूजा की पवित्रता का ख्याल रखते हुए दिल्ली में यमुना के घाटों और पटना में गंगा के किनारों को खास तौर से सजाया गया। दिल्ली के करीब 60 बड़े घाटों और पूजा स्थलों पर बड़ी समितियों ने पूजा का आयोजन कराया। छठ को देखते हुए हरियाणा ने यमुना में छोड़ा पानी। धूमधाम के साथ संपन्न हुई छठ पूजा। मुंबई में एक बार फिर सिरकड़ी लाश मिली है। आरव कॉलोनी में मिली लाश को आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए जला दिया है। मुंबई में शवों के टुकड़े मिलने के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। अब तक मुंबई पुलिस की जांच के मुताबिक शव 25 से 30 साल के किसी अज्ञात शख्स का है। चेंबूर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक फैशन डिजाइनर के शव के 10 टुकड़े कर दिए गए थे। थाने में पुलिस थाने में डॉग स्क्वाड के 5 जवान घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी को थाने के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस थाने में ट्रेनिंग के लिए विस्फोटक रखा हुआ था। इसी दौरान कागज या फाइल्स को अलमारी से निकालने के दौरान ही बम गिरा और फट गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक महिला के साथ वैन में बैठे हुए 6 लोगों ने छेड़खानी की है। ये सभी शराब के नशे में धुत थे। बदमाशों ने महिला के कपड़े भी फाड़ डाले थे। पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित महिला ने इसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और 6 में से एक आरोपी का फोटो खींच लिया, जिसके माध्यम से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जागृति की किन्होंने राज का लगातार पर्दाफाश। नौकरानी के मुताबिक पिटाई के बाद नाचती थी जागृति, नौकरों के बाथरूम में लगा रखे थे सीसीटीवी। सांसद धनंजय सिंह पहले ही अपनी पत्नी जागृति सिंह को तलाक देने के लिए अर्जी दायर कर चुके थे। बीते सालों में पति पत्नी के संबंध भी सामान्य नहीं रह गए थे। झारखंड के हजारीबाग में विष्णुगढ़ नाम के इलाके में माओवादियों ने रोड पर जमकर आगजनी की। पुलिस से बेखौफ इन लोगों ने निर्माण कार्यों को रुकवा दिया। माओवादियों ने जबरदस्त हंगामा करते हुए 4 ट्रैक्टरों और एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले किया। साथ ही कई मजदूरों को भी मारपीट कर घायल कर दिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुजफ्फरनगर के हिंसा से प्रशासन ने नहीं सीखा सबक। धारा 144 के बावजूद रसूलपुर गांव में जुटी पंचायत सभा में पुलिस की मौजूदगी पर भी उठे सवाल, लेकिन एसएसपी ने पंचायत से किया इनकार। भारत ने ओडिशा के बालासोर तट पर किया अग्नि एक का सफल परीक्षण करने का दावा। अग्नि एक की मारक क्षमता 700 किलोमीटर की है। ये मिसाइल 1 टन भार और परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल जमीन पर मार्क करती है। इस मिसाइल का वजन 12 टन और इसकी लंबाई 15 मीटर है। इसे भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है और ये इसी के तहत किया गया परीक्षण था। गुजरात जामनगर के आमरा के पास एयरफोर्स का फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त। MiG-29 हुआ क्रैश, पायलट सुरक्षित। ममता दीदी के राज में पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में आलू की जबरदस्त किल्लत हो गई है। बंगाल सरकार का फैसला, पीडीएस सिस्टम के तहत होगी आलू की बिक्री। फैसले से दुकानदार नाखुश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जबरदस्त बर्फबारी से मुगल रोड बंद हो गई है। सुरक्षा बलों ने बर्फबारी से परेशान स्थानीय लोगों को मदद देने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले 72 घंटों में लगातार तापमान में गिरावट जारी है। शिमला में 3.3 mm बारिश भी दर्ज की गई है। ठंड में भारी इजाफा हुआ है। ब्रिटेन की शाही परिवार के दंपति चार्ल्स और कैमिला ने देहरादून से आने के कुछ घंटे बाद अक्षरधाम मंदिर में वो गए। सबसे बड़े हिंदू मंदिर होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी मंदिर के नाम है। शाही दंपति यमुना किनारे स्थित 141 फीट ऊंचे मंदिर को उन्होंने देखा और उसकी वास्तुकला की तारीफ की। उन्होंने मंदिर में करीब 45 मिनट बिताए। भारत के पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 की मेजबानी मिली है भारत को और हॉकी इंडिया की सीईओ एलेना नॉमेन ने कहा है कि वो इस चुनौती को पूरी करने के लिए फॉरवर्ड प्लानिंग पर ध्यान देंगी।
2058 करोड़ की जेट इतिहाद डील में नया पेज। गृह मंत्रालय ने कहा नहीं दी सुरक्षा मंजूरी, अभी प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है और प्रस्ताव को अभी तक सुरक्षा मंजूरी नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय ने आर्थिक मामलों के विभाग को सूचित किया है कि उसने जेट एयरवेज में 24% हिस्सेदारी खरीदने के एतिहाद एयरवेज के प्रस्ताव को सुरक्षा मंजूरी नहीं दी है। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर ने अपने आईपीओ की कीमत $26 प्रति शेयर तय की है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयरों का कारोबार शुरू किया गया है। ट्विटर आईपीओ के जरिए $1.8 अरब की रकम जुटाई जाएगी। ट्विटर ने आईपीओ के तहत कुल 7 करोड़ शेयर बिक्री के लिए पेश किए हैं। सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों को होने वाले नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए 8,772 करोड़ रुपए की नकद सब्सिडी जारी करने को मंजूरी दी है।